सो फ्रेंड्स, आप लोग को तीन तीन पेड बिल्कुल ही फ्री मिल रहे हैं। जो फर्स्ट पेड होने वाला अपना मिस्टर वगैरह, सेकंड पेड होने वाला अपना ड्रैकी पेड, थर्ड पेड होने वाला स्पीटी फॉक्स। एंड गाइस, मैं आपको बताऊंगा तीनों पेड में से आपको कौन सा पेड लेना चाहिए। एंड आपको एबिलिटी भी नहीं पता तीनों पेड की कौन सी एबिलिटी क्या है, तो गाइस मैं आपको एबिलिटी भी बताऊंगा तीनों पेड की एबिलिटी क्या है, कौन सा आपको पेड लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा पेड बेस्ट है। तो गाइस आप लोग पूरी वीडियो को देख के जाना। एंड इस वीडियो में डायमंड का गिव अवे आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है सुन लो। पार्टिसिपेट के लिए करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। एंड गाइस जो भी मुझे बोलते हैं विनर कैसे पता चलेगा, डायमंड कौन जीता है, तो मैं बता दूं, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, उधर मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा डायमंड में जो पार्टिसिपेट करे कौन विनर निकला है। सो फ्रेंड, फटाफट से आप लोग को तीनों पेट की एबिलिटी के बारे में बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा पेट लेने वाला है। एंड साथ ही साथ मैं भी बता दूंगा कौन सा पेट आपको लेना है, बेस्ट कौन है आपके लिए। एंड जो भी गाइस पहला पेट होने वाला अपना मिस्टर वगैरह। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, आप लोग को ज़्यादा ये जो आप लोग CS रैंक खेलते हो एंड गाइस रैंक मैचेस खेलते हो, तो गाइस ये आपका बहुत ही काम आने वाला है। जैसे गाइस आपको पता है ये पेट की एबिलिटी के मतलब 16 सेकेंड में आपको एक ग्लोल देता है, आपका मैक्स नहीं रहेगा। एंड आपका ये पेट मैक्स हो जाता है तो गाइस आपको दो ग्लोल देगा 100 सेकेंड में, मतलब 100 सेकंड में दो ग्लोल दे देगा आपको। और ग्लोल चाहिए तो आपको अपने बैग से दो ग्लोल को गिरा देना है या अपने फ्रेंड को देना है, उसके बाद वापस आपका ग्लोल बनना चालू हो जाएगा। तो गाइस ये भी पेट बहुत ही अच्छा है। अभी दूसरे पेट की बारे में बात करें जो गाइस अपना ड्रैकी पेट होने वाला है। एंड इसकी एबिलिटी की बात करें तो गाइस ये ज़्यादा यूजफुल है अपना CS रैंक के लिए, ये रैंक के लिए बहुत ही कम यूजफुल है। तो गाइस CS रैंक में ये क्या काम करता है मैं बता दूं, मतलब गाइस आप लोग कोई भी एनिमी को आप डैमेज देते हो तो गाइस वो एनिमी छुप जाता है, कहीं भी छुप जाते वो अपना मेडिकेट आता है तो गाइस उस पर एडो आएगा, मतलब एनीपी जैसा मोको का बनता है ना, मोको एडो बनता है, वैसी इस ड्रैकी का पेट है, मतलब वो छुप के मेडिकेट मारेगा तो आपका निशान बनेगा मोको की तरह, उस पर पेट निशान बन जाएगा उस एनीपी पे, जिससे गाइस आपको पता चलेगा इधर एनिमी है। एंड गाइस अभी थर्ड पेट की बात करें जो गाइस अपना स्टेफी पेट होने वाला है। गाइस इसकी एबिलिटी की बात करें तो गाइस इसकी एबिलिटी बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। जैसे गाइस अभी आपन जैसे कि एक मेडिकेट मारते तो 60 अपने को HP मिलती है, 60 मिलती होगी या गाइस मुझे पता नहीं, 60 HP मिलती है जैसे। तो गाइस ये आपके पास पेट, आपका ये पेट मैक्स है, तो आप लोग जैसे एक मेडिकेट मारो तो 60 देता, पर गाइस ये पेट रहेगा आपके पास तो 10% ज़्यादा मतलब हीलिंग देगा। जैसे आपने 60 मारे तो गाइस आपको 70 हीलिंग मिल जाएगा ये पेट रहेगा तो आपके पास। अभी मैं बता तो आपको तीनों पेट में से कौन सा पेट लेना चाहिए, आपको कौन सा बेस्ट है आपके लिए। तो गाइस मैं आपको बोलूं, जो भी पहला पेट है गाइस मिस्टर वगैरह सबसे बेस्ट गाइस आपके लिए, CS रैंक के लो या रैंक के लो सबसे बेस्ट पेट यही है मिस्टर वगैरह। तो गाइस आप लोग के पास मिस्टर वगैरह है तो गाइस आपको क्या लेना चाहिए, तो गाइस आपको सेकंड नंबर पे आता है ड्रैकी पेट। गाइस ड्रैकी पेट सबसे अच्छा है, मतलब CS रैंक के लिए पुश के लिए बहुत ही अच्छा मेडिकेट को गाइस ये आप लोग ले सकते हो, आपका मिस्टर वगैरह पेट है तो नहीं है। तो गाइस सबसे पहले मिस्टर वगैरह लो, सबसे ज़्यादा मिस्टर वगैरह पेट ही यूज होता है। एंड जो गाइस ये स्पेटी फॉक्स तो गाइस कुछ ही काम के नहीं, मतलब हीलिंग बढ़ाएगा 10% ज़्यादा। तो गाइस ये मेरे पास है, तो गाइस मेरे पास वगैरह भी है, स्पेटी फॉक्स है, तो गाइस मैं अपना ड्रैकी पेट को क्लेम कर लेता हूँ, मतलब जो पेट चाहिए आपको टिक करना, उसके बाद आपको क्लेम दबा देना, जिससे गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने क्लेम कर लिया अपना ड्रैकी पेट। तो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, एंड जाके इंस्टा पे फॉलो कर लेना, उधर विनर के बारे में बता दूंगा कौन डायमंड का विनर निकला है।